अरे अखिलेश, तुम सिंघाड़े सुबह से तोड़ रहे हो यार। इतना ही सिंघाड़ा तुमने तोड़ा है, अब बताओ तुम कैसे जवाब दोगे अमित शाह को? बताओ तुम, इतना सिंघाड़ा तुमने तोड़ा है, मैंने देखो पूरा का पूरा पीछे नाव का ठेला भर लिया सिंघाड़े का। मैंने तो सबसे ज्यादा सिंघाड़े तोड़ा है मैंने। अब बताओ, ये ठेका 5,000 रुपये पे था, तुमको तो बिल्कुल पैसे मैं नहीं दूंगा कुछ भी हो जाए। बताओ तुमने एक टोकरा सिंघाड़ा तोड़ा है, अरे इतना तोड़ा है तुमने तो तुम्हें पूरी दिहाड़ी कैसे मिल जाएगी? एक बात बताओ, जब काम नहीं करोगे तो दिहाड़ी कहां से मिलेगी? मैंने तो ठेका ले लिया, अमित शाह जी सुबह से पूछ रहे हैं कितना हो गया कितना हो गया, फटाफट काम करो। अब बताओ, ठेका दे दिया अगले बंदे ने, तब भी तुम सही से काम नहीं कर रहे हो तो कैसे चलेगा? चलो तुम्हारी दिहाड़ी हम पक्का कटवा देंगे कुछ भी हो जाए। अरे मोदी जी, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? बताओ तुम हमारे बचपन के मित्र हो, बचपन के मित्रों हो तुम, बताओ ऐसे कैसे कर सकते हो? किसी दिन तुम भी काम मत करना, मैं भी तुम्हारी दिहाड़ी दिलवा दूंगा। आप बताओ, इतना सारा मैंने काम कर ही दिया, बताओ पानी में मेरा इतना ठंडी में सिंघाड़ा तोड़ना पड़ता है, आप बताओ पानी में मैं कैसे जाऊँ? पानी इतना ठंडा लगता है, पैर टूट गया, हम अंदर हम नहीं जा सकते। तुमने तो लक्कड़ का ये ठेला ले लिया, तुमने कर लिया सारा काम, मैं कैसे कर सकता हूँ सारा काम? ऐसा करो मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, आज के दिन तुम कुछ भी कर लो लेकिन मेरी दिहाड़ी बचा लो। मैं आगे से ये चीज ध्यान रखूंगा, कभी भी मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, काम पक्का करूंगा। और योगी जी ने भी तो काम कम किया, उनकी क्यों नहीं सैलरी तुम काट लेते हो? मेरे पीछे पड़े हो एकदम, योगी जी की सैलरी काटो, मैं पक्का बताता हूँ, मेरी रहने दो, ये इनसे तुमसे भी थोड़ा थोड़ा कम है यार। अखिलेश एक बात बताए दे रहा हूँ तुमको, ध्यान करके सुन लो, मेरे चक्कर में मत पड़ो, मैंने एक ठेली तोड़ कर रखाया हूँ, मेरी सैलरी बिल्कुल नहीं कम हो सकती। तुम तो बिल्कुल एक नंबर के काम छोड़ निकले, बताओ मैं काम कर रहा हूँ, हिस्सा तो तुम्हें बराबर लेना है, ऐसे थोड़ी काम होता है। सही से काम नहीं करना है तो हमारे साथ मत आया करो, क्योंकि हमारे पैसों में से बंटवारा हो जाता फालतू का। अगर हम दो लोग काम करेंगे तो अपने आप ही कर लेंगे। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे ले लो भाई ले लो, हमारे पास अब 4 पीस बचे हैं, ज्यादा नहीं है मेरे पास, अगर जो भी लेना चाहते सस्ते दाम लगा देंगे। अरे अखिलेश तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बैठे बैठे? अरे प्रियंका जी, तुम्हारा भी बिका नहीं क्या मोटा मोटा खीरा? बताओ इतने लंबे लंबे खीरा हैं। अरे तुम ले लो अखिलेश, मेरे पास मेरा थोड़ा बच। अरे मोदी जी भी बैठे हैं, अरे हमारे तो पुराने ग्राहक मिल गए, अब तो लगता है मेरा ये 4 पीस बिक ही जाएगा। ले जाओ अखिलेश तुम भी 2 पीस, 2 पीस मोदी जी आप भी ले जाओ, अच्छे से सब्जी बनवाना घर पे, और यहाँ पे खीरा के चक्कर में मत पड़ो मेरे, ले जाओ अच्छे से बनवाओ, मजा ना आए तो पैसे मत देना दोबारा, कभी भी लेना तो पहले दे के जाना, अब बहुत अच्छे से मजे से ले जाओ। आखिर तुम लोग बैठे कर क्या रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे योगी जी तुमको समझ कहाँ से आएगा, मुझे पता है ना तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है। अरे समझ जब आएगा तब तुम पहले जानो कि मैं बैठा क्यों हूँ। अरे मैं इसलिए बैठा हूँ यहाँ पे सुबह से, मुझे तो यहाँ पे प्रियंका जी का सारा खीरा बिकवाना है और 2 किलो खीरा फ्री में ले जाना, इसलिए बैठा हूँ यहाँ पे। मैं क्यों तुम्हारे पैसे दे करके लूँ? अरे मुझे पैसा ही देना होगा तो मैं प्रियंका जी से लूँगा, तुमसे क्यों लूँगा? अरे क्यों मोदी जी बताओ, इनको आखिर बताओ, जब पैसे ही देना तो यही मिलेंगे क्या? अरे पुराने ग्राहक है, आज फ्री खिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा करो योगी जी तुम फ्री दे के जाओ। अरे मोदी जी इनको बताओ कि हम लोग बैठे क्यों आखिर, इनको समझ नहीं आ रहा है। अरे बताओ इनको। अरे योगी जी बिल्कुल मैं नहीं ले सकता तुम्हारा, क्योंकि मैं आज लेने वाला हूँ प्रियंका जी का, प्रियंका जी के यहाँ पे लूंगा मैं, क्योंकि इनका बोनी नहीं हुई सुबह से। ऐसे करते हैं आज तुम रहने दो, तुम पैसे बार बार बहुत ज्यादा ले लेते हो इसलिए मैं लेना नहीं चाहता हूँ। अरे प्रियंका जी तुम क्या रेट लगाओगी बताओ? खीरा मुझे 1 दर्जन पैक कर दो, पूरा नमक डाल करके अच्छे से लगा करके, खाने में तो मजा आ जाए। अभी मैं खेतों में काम कर रहा था, मैं इधर देखा खीरा बिक रहा था, मैं भी चलाया। तो योगी जी आज तो मैं बिल्कुल लेने वाला नहीं, कुछ भी हो जाए। चलो प्रियंका जी आप पैक करो, क्या रेट लगाओगी बताओ हमको। अरे मोदी चाचा तुम्हें लेना है तो ले लो, तुमसे क्या रेट भाव करना, ले लो ले लो। भाई लोग वीडियो लाइक करो। अरे अखिलेश और राहुल तुम थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, राहुल थोड़ा जल्दी जल्दी चलो भाई, बहुत लेट हो रहा है, तुम इतना टाइम लगा रहे हो, बताओ हमारी ट्रेन छूट जाएगी। अरे तीसरा डब्बा है, तीसरा डब्बा हम लोगों का, अरे हमको जाना है अभी मजदूरी करने के लिए, और तुम तो राहुल आगे खिसक नहीं रहे हो। हम बताओ इतना सामान लोड किए हुए सिर पे रखा हूँ और मुझे आगे नहीं जाने दे रहे हो। एक बात बता दूँ अखिलेश, फटाफट आगे कर लो, नहीं पुलिस बुला लूंगा मैं थोड़ी देर में। मैं इतनी देर से लाइन में खड़ा खड़ा परेशान हो गया हूँ लेकिन तुम आगे नहीं जा रहे हो, ये कौन सी बात होती है भाई?
अरे केजरीवाल भैया क्या करूं, तुमको भी जाना मजदूरी करने, हमको भी मजदूरी करने जाना है, लेकिन ट्रेन के डिब्बे में बैठेंगे और जाके जब पहुंचेंगे अलीगढ़ तभी तो वहां पे मजदूरी कर पाएंगे। अब बताओ तुम, यहां पे आगे आगे देखो योगी नहीं चल रहे, तो मैं क्या कर डालूं, जब योगी आगे नहीं चल रहे अभी मैं ऊपर गिर जाऊंगा, मेरा भी मन करता है पुलिस को बुला लूं, यहां पे जब तक हड़कंप नहीं मचेगा तब तक वो लोग सही नहीं चलेंगे। चलो ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में देख लेना केजरीवाल आगे जल्दी जल्दी आगे नहीं चलते हैं तो मैं पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। अरे यार जाना है मजदूरी करने के लिए, अगर ट्रेन छूट गई तो आज कैसे मेरा दिहाड़ी कहाँ से आएगी, मैं तो योगी जी से ले लूंगा, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ योगी से। अरे योगी जी जल्दी जल्दी चलो, तुम क्यों पीछे चल रहे हो, ये कौन सी बात होती है तुम्हारी, लेट हो रहा है ट्रेन का डिब्बा छूट जाएगा। देखो योगी हम बाबा, मेरा योगी नाम है, मेरे सामने गुंडा कर दिए तुम लोगों का नहीं चलेगा, मजदूरी तुमको भी करने जाना है, मजदूरी हमको भी करना जाना है, तुमको देखा ही नहीं दे रहा है कि यहाँ पे मोदी जी कितना लोड कर रखे हैं सिर पे, अब बताओ इतनी बड़ी बोरी पीछे बैग लेकर चलना कोई आसान बात है क्या, तुम एक छोटा सा बैग लेकर चल दिए, अब बताओ मैं क्या करूं। अरे देखो अब एसी जी ये लोग कितना शोर शराबा मचा रहे हैं, इनको थोड़ा समझाओ। अरे वही तो देख रहा हूँ मैं इतनी देर से देख रहा हूँ। अरे तुम लोग एक काम करो, फटाफट अपने डिब्बे में बैठ जाओ, इतना शोर शराबा नहीं मचाया जाता है, रेलवे स्टेशन है घर नहीं है, फटाफट बैठो नहीं डंडे पड़ेंगे सबके। भाई लोग वीडियो लाइक करो।